अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फायज़ा फूड रेसिपीज़। तो फ्रेंड्स, सर्दियों की खास रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, यानी मेथी के लड्डू की रेसिपी। ये विटामिन, आयरन, कैल्शियम से भरपूर है, पूरे साल आपको बीमारी से दूर रखेगा। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, आपके हड्डियों में दर्द है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो ये रेसिपी आपके लिए बेस्ट है। रेसिपी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेथी के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम मेथी दाना। तो मेथी दाना को हम 2 मिनट तक लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करना है इसे हमें, बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे, यानी मेथी की इसमें खुशबू आने लगे। तो यहाँ पे मेथी दाना का कलर चेंज हो गया है और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में। मेथी दाना ठंडा हो रहा है जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में हम डाल रहे हैं 2 टीस्पून देसी घी। घी को हम अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। घी यहाँ पे गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम सूजी। तो सूजी को हमें धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट तक भून लेना है। सूजी को हमें उस वक्त तक भूनना है जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे सौंधी सौंधी। तो फ्रेंड्स, सूजी भून चुका है, इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसे अब हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। सूजी को हमने एक बर्तन में निकाल लिया है एक प्लेट में और इसे हम साइड में रख देंगे। तो फ्रेंड्स, इसी कढ़ाई में हमने ले लिया है 2 टीस्पून देसी घी। देसी घी में अब हम ऐड करेंगे 5 टेबल स्पून कटा हुआ बादाम, 4 से 5 टेबल स्पून कटा हुआ काजू। काजू और बादाम को 1 मिनट तक हम लो फ्लेम पर भून लेंगे घी के साथ, ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून कटा हुआ पिस्ता। अब हम 2 मिनट तक काजू, बादाम, पिस्ता को लो फ्लेम पर घी के साथ भून लेते हैं। इस तरह से ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके लड्डू बनाने से लड्डू की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट का कलर हल्का सा चेंज हो गया है और इसमें से अच्छी सी सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट को हमने निकाल लिया है। ठंडा होने के बाद पल्स मोड पे 2-2 सेकंड के लिए इसे हम ग्राइंड करेंगे। दरदरा सा ग्राइंड करना है इसे हमें। कढ़ाई में हमने 5 से 6 टेबल स्पून देसी घी गर्म कर लिया है और घी अच्छी तरह से गर्म किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गोंद। तो यहाँ पर हमने 100 ग्राम गोंद लिया है और गोंद हमें थोड़ा थोड़ा घी में ऐड करना है। अगर एक साथ हम पूरा गोंद डाल देंगे तो गोंद फूलेंगे नहीं, आपस में चिपक जाएंगे। और गोंद डालते वक्त घी अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। तो देखिए, गोंद अच्छी तरह से फूल गया है। इसे हम घी सेपरेट करते हुए निकाल लेते हैं किस तरीके से गोंद पॉपकॉर्न की तरह फूल गया है। तो इसे हमें बैचेस में फ्राई करना है। तो अब थोड़ा सा गोंद और हम इसमें डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से पूरा गोंद हम फ्राई कर लेंगे और इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, गोंद पूरा हमने फ्राई कर लिया है। इसे ठंडा होने के बाद पल्स मोड पे दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में। फिर से कढ़ाई में हम 2 टेबल स्पून घी ऐड कर देंगे। घी को हम गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं बारीक ग्रेट किया हुआ नारियल। यहाँ पे हमने 4 नारियल लिया है। ये गीला वाला नारियल है, फ्रेश नारियल है, इसे हमने बारीक ग्रेट कर लिया है। अब नारियल को हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर घी के साथ भून लेते हैं। तो नारियल को हमने 3 से 4 मिनट तक भून लिया है। अब इसे एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे, इसलिए कि ये बर्तन छोटा है, जब लड्डू बनाएंगे तो ये आसानी के साथ बना नहीं पाएंगे। तो इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नारियल को हमने एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। तो गुड़ को हमने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है इस तरीके से, ताकि गुड़ आसानी के साथ मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमने 1 केजी, 4 नारियल के लिए हमने 1 केजी गुड़ लिया है। इस पॉइंट पर गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम पर मसलसल चम्मच चलाते हुए गुड़ को हमें मेल्ट करना है, ताकि गुड़ नीचे तले में चिपके नहीं। तो फ्रेंड्स, नारियल मेल्ट होने के लिए इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है। बस धीमी आंच पे मसलसल चम्मच चलाते रहेंगे और आराम से गुड़ मेल्ट हो जाएगा। तो बाकी इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करेंगे।
तो गुड़ यहाँ पे मेल्ट हो चुका है, इसे हमने 10 से 12 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। ये अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, यानी नारियल के साथ मिक्स हो गया है। अब 4 से 5 मिनट तक इसे गुड़ के साथ हमें और पका लेना है। तो नारियल और गुड़ को हमने 4 से 5 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद इलायची का पाउडर, 2 टीस्पून सौंठ का पाउडर। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे नमक ऐड किया है जो गुड़ के मिठास को बैलेंस में रखेगा। सफ़ेद इलायची से लड्डू में बहुत अच्छी खुशबू आएगी, और जो सौंठ हमने ऐड किया है वो हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये जोड़ों के दर्द में बहुत फ़ायदा करता है, खांसी में सर्दी में भी ये मुफीद है। नमक, सौंठ और इलायची पाउडर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना रोस्ट किया हुआ सूजी। सूजी को भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपना ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट करके दरदरा सा ग्राइंड कर लिया था। ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो सभी चीज़ों को हम डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो इस वक्त गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है, और लो फ्लेम पर इसे हम 2 से 3 मिनट तक और कुक करेंगे ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स आपस में मिल जाएं। 2 से 3 मिनट तक इसे हमने पका लिया है, सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मेथी पाउडर। मेथी को हमने भून करके पाउडर बना लिया था। मेथी को हमेशा हमें लास्ट में ऐड करना है, यानी जब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर दें तब मेथी हम ऐड करें। मेथी को हमें पकाना नहीं है, अगर हम मेथी को पका लेंगे तो लड्डू कड़वे बनेंगे। मेथी को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं मग्स। तो यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून मग्स को थोड़ी सी घी में, 1 टीस्पून घी में फ्राई कर लिया है। हल्का सा फ्राई किया है, यानी चटचट की आवाज़ आने लगी थी, तो इसे हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं गोंद। तो गोंद को हमने पल्स मोड पर ग्राइंड कर लिया है, दरदरा सा ग्राइंड किया है। तो फ्रेंड्स, गोंद को हमने इसलिए दरदरा सा ग्राइंड किया है इसलिए कि जब हम लड्डू बना के खाते हैं और गोंद खाने में जम्मू में आता है तो बहुत अच्छा लगता है इसका क्रंचीपन। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसका हम लड्डू बना लेंगे। तो ये ठंडा हो चुका है, अब इसमें से छोटा छोटा पोर्शन लेके हम लड्डू बना लेते हैं। फ्रेंड्स, लड्डू आप अपने साइज़ के हिसाब से बनाएं, जितना छोटा बड़ा आपको बनाना हो। देखिए, यहाँ पे लड्डू हमने तैयार कर लिए हैं, बाकी भी इसी तरीके से हम बना लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे नारियल और मेथी के लड्डू। ये बहुत हेल्दी और डिलीशियस है। सुबह नाश्ते में और शाम को नाश्ते के टाइम एक लड्डू आप खाएं और अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करें। अगर आपको जोड़ों में दर्द है तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, 4 नारियल से हमने ढेर सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। माशाल्लाह, काफ़ी क्वांटिटी में बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट करें। आपके कमेंट पढ़ने में बहुत अच्छे लगते हैं। और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, गुड बाय।